आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ टाइप टू एरर प्रोबेबिलिटीज। एग्जाम कब तक चेक होगा? नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह। कॉपीज बहुत ज्यादा थी आपकी, वरना अगर कम होती तो हो जाता। सर एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। जी अच्छा, बाद में कर लीजिएगा, अभी क्लास ले लें, क्लास के एंड पे फिर कुछ जो उससे रिलेटेड है। ओके सर, ठीक है। एंड पार्ट्स, और ये एक्चुअली पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, ये इसको सिंपली पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं। तो ये दो चीजें हैं, एक है पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट और दूसरी है टाइप टू एरर प्रोबेबिलिटीज। तो इनकी हमें क्या करनी, कंप्यूटेशंस करनी है कि इनको कैसे कंप्यूट किया जाता है, और एक्चुअली यानी कि प्रैक्टिकली तो हम इसी की कंप्यूटेशन सीखेंगे। पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो टाइप टू एरर की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करनी है, यानी कि टाइप टू एरर हमने पढ़ा था कि टाइप टू एरर की प्रोबेबिलिटी जो है उसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब वो बीटा जो है वो क्या होती है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि टाइप टू एरर क्या है और टाइप वन एरर क्या है। तो टाइप वन एरर की हमें जरूरत ही पड़ती, टाइप वन एरर हम इस्तेमाल करते हुए आते हैं हर उसमें हाइपोथेसिस टेस्ट में। तो टाइप वन एरर जो है वो होता है रिजेक्टिंग रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। ट्रू नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करना, ये कहलाता है टाइप वन एरर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप वन एरर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और ये होता है सिग्निफिकेंस लेवल जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये सिग्निफिकेंस लेवल एक्चुअली टाइप वन एरर होता है। तो टाइप वन एरर की जो प्रोबेबिलिटी होती है या प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप वन एरर वो अल्फा है, और इसे सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। और टाइप वन एरर है क्या चीज, ये है रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, यानी कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू थी लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप वन एरर हो जाएगा, और जो कि सिग्निफिकेंस लेवल। तो आपने देखा होगा कि हर हाइपोथेसिस टेस्ट में एक सिग्निफिकेंस लेवल दिया होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है ऑफ मेकिंग टाइप वन एरर, यानी कि रिजेक्टिंग अ नल ट्रू नल हाइपोथेसिस 5%, 1% या 10%, इस तरह की प्रोबेबिलिटीज होती है। अब इसके बाद सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए, जिसे हम कहते हैं टाइप टू एरर। ये एरर भी अकर हो सकता है किसी हाइपोथेसिस टेस्ट में। ये क्या होता है टाइप टू एरर, नॉट रिजेक्टिंग यानी कि इसका प्लट है नॉट रिजेक्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस वो फॉल्स थी लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप टू एरर हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ
मेकिंग टाइप टू एरर, ये असल में हम अब कंप्यूट करना सीखेंगे कि ये कैसे मालूम की जाती है, जबकि हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल, टाइप वन एरर और ये दूसरी चीजें जो है ये मौजूद होती हैं सारी। तो टाइप टू एरर की जो प्रोबेबिलिटी है इसे रिप्रेजेंट हम बीटा से करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बीटा निकालना है, ठीक है। और दूसरी चीज जो हम कह रहे हैं कि पावर ऑफ हाइपोथेसिस, तो पावर ऑफ हाइपोथेसिस ये भी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है। अब ये नहीं कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, बल्कि सिंपली कहते हैं पावर ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट is the is a complement of probability of making type 2 error। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइप 2 एरर आपके पास है तो आप इजीली पावर हाइपोथेसिस टेस्ट की निकाल सकते हैं। अब पूरा मैं लिख रहा हूं पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, तो इसको शॉर्ट करके अगर मैं लिख दूं तो ये पावर ऑफ टेस्ट, ये भी काफी है, इससे समझ में आ जाएगा कि डेफिनेटली ये हाइपोथेसिस टेस्ट की बात कर रहे हैं। और ये होगी क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन में से माइनस करते थे क्योंकि आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है, तो वन माइनस बीटा। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है बीटा को कंप्यूट करना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर, ये एक्चुअली हमें कंप्यूट करना है। अगर हम probability of making type 2 error निकाल लेंगे तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो power of test भी पता चल जाएगी कि hypothesis test की कितनी power है। जाहिर है कि जितनी हम जो है probability कम करेंगे, कम होगी type 2 error की, उतनी test की power जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। significance level भी अगर कम होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप वन एरर भी कम होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर भी कम होगा, तो रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद इसकी कंप्यूटेशन देखते हैं कि कैसे इसको कंप्यूट किया जाता है, किस तरीके से जो है वो हम टाइप टू एरर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि बजाय इसके कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखें, मैं आपको एक और एग्जाम्पल जो है वो कराता हूँ सॉल्व, और इससे ये होगा कि कैलकुलेशन के लिए बार बार वो जो बुक हम खोलते हैं और फिर टेबल में जाते हैं, तो टेबल में जाना हमें नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें नई चीजें कोई भी नहीं है। आपने जी टेबल के जरिए प्रोबेबिलिटी निकालना जो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में सीखा हुआ है, और यहाँ भी आपने सीख लिया, यहाँ भी आपने देखा, जिन लोगों ने अगर उसमें नहीं देखा था सही से तो आप यहाँ जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है एक टेस्ट है, अच्छा ये हम जो अभी कर रहे हैं ये जी टेस्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसी भी टेस्ट के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट, ये जो प्रोबेबिलिटी है टाइप टू एरर की, वो इसी मेथड के थ्रू कंप्यूट करते हैं जैसे कि हम अभी करेंगे, ठीक है, करने वाले। हमारे पास एक टेस्ट है और वो यानी कि जी टेस्ट है, और उस जी टेस्ट में नल हाइपोथेसिस दी हुई हमें कि नल हाइपोथेसिस है म्यू इज इक्वल टू 26, ठीक है, ये हमारे पर नल हाइपोथेसिस है। ये समझ लीजिए कि क्या है, ये क्लेम है एक कार मैन्युफैक्चरर का कि उसकी कार 26 माइल्स पर गैलन कवर करती है, ये उसकी माइलेज है, यानी मैन्युफैक्चरर का क्लेम है
कि उसकी जो बनाई हुई गाड़ी है, कोई भी पर्टिकुलर कार है, वो 26 माइल्स पर गैलन की माइलेज देती है। कुछ कोई ग्रुप जो है वो ये ऐसा करता है कि एक सैंपल लेता है और उस सैंपल से एक टेस्टिंग करता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और उसका वो जो है क्लेम करता है, यानी कि वो टेस्ट ये करता है कि उसकी जो वो जो कार है वो, यानी कि वो जो पर्टिकुलर कारें हैं एक एक, वो 26 माइल्स पर गैलन से कम माइलेज दे रही है। ये वो एक ग्रुप जो है वो ये चाहता है कि ये इस तरह का जो है क्लेम करे। क्वेश्चन समझ में आ रही है कि ये मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना, 26 माइल्स पर गैलन की माइलेज का क्लेम है एक कंपनी का, कार मैन्युफैक्चरर कंपनी का, किसी जो है एक तरह की गाड़ी के लिए। अब इसके बाद ये होता है कि वो जो एक ग्रुप है वो ये करता है कि टेस्ट करता है उसके लिए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करता है, और वो उसका अल्टरनेट ये देखता है कि जो कार है वो मैन्युफैक्चर, उसकी जो कार है, कारें हैं वो 26 माइल्स पर गैलन जो है इससे कम माइलेज दे रही है। इसके लिए क्या करता है, वो एक सैंपल जाहिर लेगा उन कारों का, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ये देखा कि मैं, यानी कि उन लोगों ने कहा कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए टेस्ट करेंगे वो, यानी कि अल्फा 0.05 हो जाएगा, और उन्होंने जो उसकी उस कंपनी की जो उसी मेक की एक ही किस्म की कारें ली हैं वो 30 ली हैं, यानी कि सैंपल का साइज उनका 30 है। जाहिर है टेस्ट करने के लिए उनको एक रैंडम सैंपल चाहिए होगा, तो उन्होंने क्या किया, एक रैंडम सैंपल देख लिया और वो है 30 का। अब वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि ये देखना है कि वो जो टेस्ट करेंगे उनका जो टेस्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, हमें ये देखना है कि मेकिंग probability of making type 2 error कितना हो जाएगा। एक मिनट, तो अब actual जो है वो हम ये बता रहे हैं कि उनका claim देखना है कि ये वो उसमें कितना type 2 error कर सकते हैं, जबकि पहला केस ये ले रहे हैं पहली मर्तबा कि एक्चुअल जो कंपनी ने 26 माइल्स पर गैलन का क्लेम किया था, लेकिन जो है पॉपुलेशन मीन जो है वो एक्चुअली 25.8 माइल्स पर गैलन है। और दूसरी मर्तबा इसको देखेंगे कि जब कंपनी का क्लेम 26 था लेकिन ओरिजिनली वो 25 माइल्स पर गैलन उसकी एवरेज है या उसकी माइलेज है, तो देखना यह है कि इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे ये ट्रू मीन है और ये भी ट्रू मीन है, एक बार ट्रू मीन ये लेना है एक बार ट्रू मीन ये लेना है, तो देखना यह है कि ये इस तरह से जो अल्फा यानी कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल 30 सैंपल साइज के साथ जब ये लोग इस क्लेम को टेस्ट करते हैं तो कितना एरर जो है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केसेस में कितना एरर, यानी कि वो जो एरर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्दर एक चीज और जाहिर है पता होनी चाहिए और वो है पॉपुलेशन का, जाहिर है टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट करने के लिए पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो, तो पॉपुलेशन का जो, जी सर ये ए एंड बी कहां से आया, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है सर। पार्ट ए एंड बी समझा दीजिए क्या है, कि पार्ट ए में बोल क्या रहा है और पार्ट बी में। देखिए अभी तो चले, मैं अभी क्वेश्चन तो मैं बताता हूँ, ये सिग्मा पहले देख लें, ये पॉपुलेशन का मीन है 1.4 माइल्स पर गैलन, ये हमारे पास सिग्मा यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। सर एक्स बार भी नहीं है, एक्स बार भी नहीं है ना, अब कैसे सब कुछ करेंगे, तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो गई।
हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग थोड़ी करनी है भाई, हमें निकालना है बीटा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर, ठीक है। और बीटा निकालना है जब ट्रू मीन ये हो, ये ट्रू मीन है, और ये भी ट्रू मीन है। बी पार्ट में ट्रू मीन जब 25 हो तो फिर बीटा जो है वो मालूम करना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा जो है वो 0.05 दिया हुआ है, लेकिन ये तो हम कर रहे हैं ना, वो थोड़ी काम कर रहे हैं, ये वाला काम हमारा है, हमें करना है। ये वाला काम जो है उस ग्रुप के लोगों का है। वो ग्रुप क्या कर रहा है? वो ग्रुप जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहा है। तो वो जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेगा तो वो 30 लोगों का सैंपल लेगा, ठीक है, 30 गाड़ियों का सैंपल लेगा। उस सैंपल के जाहिर माइलेज होगी तो मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी एक्स की, वो एक्स जो है वो होगा, और उसका फिर मीन निकालेगा और फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर लेगा। समझ में आ गई बात? तो वो तो उसे करना है ना, हमें थोड़ी करना है काम। पहली तो बात ये समझ लीजिए कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्या काम करेगा और हमें क्या काम करना है। तो उन लोगों को टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है, यानी कि उसे जी टेस्ट परफॉर्म करना है कि व्हेन सिग्मा इज नोन, जाहिर सिग्मा नोन होता है तो जी टेस्ट करते हैं, तो उसको जी टेस्ट करना है। तो वो करेगा क्या कि 30 जो सैंपल साइज लिया है वो 30 लोगों का, 30 गाड़ियों का जो है वो एवरेज देखेगा माइल्स पर गैलन, उसमें से जाहिर रीड कर लेगा और फिर उसका मीन निकालेगा और पूरा प्रोसीजर करेगा। तो एक्स बार तो उसे चाहिए होगा ना, हमें थोड़ी चाहिए होगा, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो वो कर रहा है या वो ग्रुप कर रहा है, हमें तो ये वाला काम करना है, हमें बीटा निकालना है, ठीक है। और बीटा कब निकालना है, हमें ये देखना है कि वो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने वाला है, हम पहले ही बता दे रहे हैं कि वो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने वाला है, अगर ट्रू मीन ये हुआ पॉपुलेशन का तो उसके टाइप टू एरर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की पावर कितनी होगी, ये हमें बताना है। और अगर ट्रू मीन जो है वो ये होगा तो फिर हमें ये बताना है। समझ में आ गई बात? तो क्योंकि हमें टेस्टिंग मतलब क्या होता है, ट्रू मीन का मतलब क्या, ट्रू मीन का मतलब जो मीन एक्चुअल है, मतलब कि 26 नहीं है लेकिन 25.8 है, 25.8 है ओरिजिनली। देखिए ट्रू मीन का ये तो एग्जैक्टली वैल्यू आ गई ना ट्रू मीन। देखिए एक कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरर ये देखता है कि उसके पास तो सारी इंफॉर्मेशन होगी कि उसने गाड़ी को जो है बनाया है, सारी चीजें तो उसके सारी इंफॉर्मेशन है, उसको पता है कि ये जो इतना जो ये जो गाड़ी इसकी जो जाहिर है उसकी कार जो है उसकी पॉपुलेशन, वो उसकी पॉपुलेशन है। तो उसका जो मीन होगा एक्चुअली वो 25.8 होगा या 25, अगर सारी गाड़ियां निकाली उनका जो लिया जाए मीन लिया जाए उनकी माइलेज का, तो वो 25.8 आएगा, ठीक है, ये जो है इंफॉर्मेशन। लेकिन उसका क्लेम है 26 का। अब वो लोग ये देखना चाह रहे हैं कि 26 का जो क्लेम है माइल्स पर गैलन का ये सही है या नहीं, तो उन्होंने सिर्फ 30 गाड़ियों का एक सैंपल ले लिया और उसके जरिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करने जा रहे हैं वो लोग। हमें ये देखना है कि अगर कार मैन्युफैक्चरर का वो जो कार थी उसका ट्रू मीन 26 के बजाय 25.8 था, तो इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस तो ये फॉल्स है, नल हाइपोथेसिस ट्रू तो नहीं है। लेकिन अगर आपने जो फॉल्स हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने टाइप टू एरर कर दिया। तो वो जो टाइप टू एरर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हमें बताना है। इसी तरीके से अगर उसका ट्रू मीन होता 25, अगर उस कार का ट्रू मीन, अगर सारी कारों का जितनी कारें थी जो उसी मेक की थी, मेक और वो जो क्या कहते हैं उसे, तो फिर ऐसी सूरत में जो है 25 माइल्स पर गैलन उसका होता एक्चुअल, यानी कि ट्रू ये होता, और कार मैन्युफैक्चरर क्लेम ये कर रहा होता 26 माइल्स पर गैलन, और लोग वही करते कि उस क्लेम को टेस्ट करते 30 का सैंपल साइज लेके, तो फिर वो उस फॉल्स जो हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट जब करते तो उस रिजेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होती, ये हमें बताना है पार्ट बी में और पार्ट ए में। समझ में आ गई हम क्या करने जा रहे हैं? तो जो सैंपल का
जो मीन है एक्स बार, उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वालों को पड़ेगी जो कर रहे हैं टेस्टिंग। हम तो जो है वो पावर ऑफ हाइपोथेसिस और क्या पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट और हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर। तो हमें एक्स बार की जो जरूरत पड़ेगी वो सैंपल के एक्स बार की जरूरत नहीं पड़ेगी उस तरीके से जिस तरीके से उन लोगों को जरूरत पड़ रही है, हम किसी और तरीके से जो है इसको कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अल्फा जो है 0.05 है। ठीक है, और ये लेफ्ट टेल है तो z अल्फा जब आप निकालेंगे यानी कि z 0.05 निकालेंगे तो ये आपके पास -1.645 होगा। ये मैं इसी वजह से ये प्रॉब्लम करा रहा था क्योंकि ये जो है वैल्यूज यहाँ पर मौजूद है तो उधर देखना नहीं पड़ेगा। तो z 0.05 की वैल्यू -1.645 होगी। जी टेस्ट में z अल्फा बाय 2 नहीं लेते थे? अरे भाई अल्फा बाय 2 तो 2 टेल में होता था ना, ये लेफ्ट टेल है यार, तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, देख लेना टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से नजर आ रहा है अल्टरनेट हाइपोथेसिस से। सॉरी सॉरी सर। ठीक है, अभी तो आपने एग्जाम दिया है तो नल हाइपोथेसिस जो है ये जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस से आपको पता चलता है कि आप अल्फा बाई 2 लेंगे या अल्फा लेंगे, तो इस वजह से अब हम यहाँ पर अल्फा लेंगे तो इसकी वैल्यू -1.645 आ गई। या तो आप माइनस जी लिखें या फिर इस तरह से लिख दें, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यूज के थ्रू ही जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो z वैल्यू होती है जो कंप्यूटेड होती है वो आप कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से x बार माइनस म्यू नल डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, इस फॉर्मूले से आप z वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास ये x बार हमें तो पता ही नहीं है क्या है, माइनस म्यू नल ये 26 है, सिग्मा हमें पता है पॉपुलेशन का 1.4 है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 30, ये भी हमें जो है ये पता चल गया। ठीक, तो इस तरह से जो है वो ये वाली वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद देखिए, ये जब टेस्ट कर रहे होंगे ये क्या कहते हैं से वो लोग जब टेस्ट कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, वो अल्फा के लिए क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। वो टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करेंगे जब वो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच अगर करने वाले हैं तो वो ये करेंगे कि इस तरह से टेबल बनाएंगे और फिर उसके बाद ये जो क्रिटिकल वैल्यू निकाली है ये कहेंगे कि ये -1.645 है z वैल्यू, ये रिजेक्शन रीजन है यानी कि हम ये कहेंगे कि यानी हम नहीं बल्कि वो लोग कहेंगे कि अगर इस रीजन में आ जाए तो रिजेक्ट कर दीजिए और इससे राइट पे आ जाए तो डू नॉट रिजेक्ट, डू नॉट रिजेक्ट एच नल, तो एच नल को रिजेक्ट कर दीजिए, एच नल को रिजेक्ट नहीं करें। ठीक है, गया क्या, अब हमारे पास एक्स बार नहीं है इधर, उनके पास तो एक्स बार होगा वो जो मीन वगैरह निकालेंगे, लेकिन क्योंकि अल्फा जो है वो हमारे पास था 0.05 और उसके लिए जी वैल्यू निकाली -6, तो हम इसमें वेरिएबल जो है जी को फिक्स कर देते हैं और वेरिएबल एक्स बार कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अब इसको ये समझ लीजिए कि ये जब आपको पता है कि जब प्रोबेबिलिटीज होती थी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते थे, होता ये था कि ये जो z वैल्यू है z एक्सिस है ये इसका जीरो मीन होता है और इसके लेफ्ट पे वैल्यूज राइट के वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट पे नेगेटिव राइट पे पॉजिटिव होती हैं, और इसी तरीके से यहीं पे क्या होता है x एक्सिस होता था या रेंडम वेरिएबल x की वैल्यूज होती थी और वैल्यूज वही रहती थी, ये वेरिएबल एक्स होता है रेंडम वेरिएबल एक्स,
तो ये जो एक्स का मीन होता था वो जीरो पे ट्रांसलेट हो जाता था, ये तो आपको पता होगा, ठीक है ना, ये जीरो पे ट्रांसलेट हो जाता था। ये भी, ये क्या होता था, ये एक्स, ये जो एक्स है उसका मीन होता था, अगर वेरिएबल एक्स और वेरिएबल एक्स बार हो तो फिर एक्स बार का जो है वो मीन हो जाता था। तो इस तरीके से जो है वो ये चीज आ जाती थी। तो अब हम क्या करते हैं कि z वैल्यू है -1.645, तो इस z वैल्यू -1.645 के लिए हम x बार निकाल लेते हैं। तो z की जगह -1.645 लिख दिया, बाकी ऐसी रहेगा, x बार -26 डिवाइडेड बाय 1.4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30। यानी हम ये देख रहे हैं कि उस उन लोगों का जो मीन होगा वो क्या आएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को ये भी साथ में बताता रहूं कंप्यूटेशन के बजाय, कि जरा सा भी थोड़ा सा सॉल्व हो तो आपको अंदाजा हो जाए कि क्या होने वाला है और ये क्या वैल्यूज आएंगी। -1.645 मल्टीप्लाई बाय, ये होता जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.4 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 30 और इज इक्वल टू एक्स बार -26। -26 को इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा +26, तो एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी +26 -1.645 टाइम्स 1.4 डिवाइडेड बाय 30। किसी के अच्छे बच्चे ने वो बताया था, क्या बताया था भाई, 5.58। चलो ठीक है, ऐसा करते चले इसको दो डिजिट तक कर ले, यानी पॉइंट क्या से भी एक डिजिट ले लेते हैं तो 25.6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो एक्स बार आ गया 25.6। तो अब देखें, अब हम खुद अभी बता सकते हैं, हम अभी ये बता सकते हैं कि जब वो N30 के लिए x बार निकालता, ठीक है, अगर उसका x बार 26.5 होता, तो उसका x बार अगर 26.5 होता तो उसके ऊपर z वैल्यू आती, जो यहां से z वैल्यू जब वो निकालता तो वो आती -1.645, एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू। ठीक है, और वो क्या कर देता, रिजेक्ट कर देता। और अगर उसका मीन 25.6 से और मजीद कम आ जाता, ठीक है ना, तो भी क्या होता, 25.6 से मजीद अगर कम होता तो जो z वैल्यू होती, जो यानी कि जो z वैल्यू यहां से निकलती जो कंप्यूटेशन से आती, ये एक्चुअली वो है ना, वो z वैल्यू जो आप कंप्यूट करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, स्टेप थ्री में जो होती है, स्टेप आपने देखा होगा, तो जो स्टेप थ्री की वैल्यू है, अगर आप खुद सोच लें कि अगर x बार की वैल्यू 25.6 से कम रखेंगे तो z वैल्यू जो आएगी कंप्यूटेड वो -1.645 से थोड़ी और छोटी हो जाएगी। तो छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट पे आ जाएगी, और जब इसके लेफ्ट पे आ जाएगी तो आप क्या कर देंगे, इसे रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आ रही है बात। तो जब भी x बार 25.6 या 25.6 से कम होगा तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन मसला कहां आएगा, जब रिजेक्ट नहीं करें, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्चुअल है वो ये फॉल्स हाइपोथेसिस है, ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, क्योंकि ट्रू मीन इस 26 से कम है, 25.8 है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, कलर जो है वो थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, और यहां बता देता हूँ कि ये वैल्यू जो एक्स है ये आ रही है 25.6, तो ये वैल्यू 25.6 एक्स पे आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो है, ये जो डायग्राम है जो z के लिए बनाई थी, अच्छा ये जो है ये x बार के लिए भी इसको बना सकते हैं, हमने वेरिएबल जो है x बार के लिए बना दिया। चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, ये x बार हो गया, ये है 25.6 और ये
ये जो है ये प्रॉब्लम, यानी कि ये अल्फा ही होता था, यहाँ भी अल्फा है जो कि 0.05 है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम जी वैल्यू लिखते थे, जी की जगह एक्स बार की वेरिएबल एक्स बार जो है वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब वो शख्स जो टेस्टिंग कर रहा है, अब वो जब सॉल्व करेगा, यानी कि जब वो 30 का सैंपल लेगा, उस सैंपल का जब वो मीन निकालेगा, अगर वो एक्स बार 25.6 से ज्यादा होगा तो उसके लिए अल्फा ज्यादा होगा, ठीक है ना। दूसरे लफ्जों में जो जी है वो बड़ा होगा और रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, और अगर 25.6 से कम होगा तो वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। 25.6 से कम या उसके बराबर हो जाए तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत थोड़ा सा मार्जिन है, एक्चुअली 225.8 है, लेकिन ये 25.6 से कम होगा तो रिजेक्ट करेंगे 25.6 या 25.6 से कम होगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी, बिल्कुल। आपने भी आई थिंक उल्टा बोला था। नहीं मैं अच्छा, अगर बोल दिया हो तो गलत बोल दिया होगा, बनाया भी यही है मैंने। इसके लेफ्ट पे अगर होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेफ्ट पे या इसी पे होगा, और राइट पे होगा तो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, इस चीज को जो है वो, ये समझ में आ गई आप लोगों को कि इस तरह से जो है हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद आज हम करने ये वाले हैं कि बीटा निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने चाह रहा था। वैसे जिसको ये नहीं भी समझ में है तो भी वो आखिर में प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही लेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालना इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये जो करते जा रहे हैं ना, ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहना चाहिए, ठीक है। अब इसका ए पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन का ए पार्ट ये है कि पॉपुलेशन का जो ट्रू मीन है वो है 25.8 माइल्स पर गैलन। अब इसे हम एक्स बार के लिए देखते हैं, तो जब एक्स बार के लिए देखेंगे तो एक्स, अब वेरिएबल क्योंकि एक्स बार हो गया, तो एक्स बार के लिए देखेंगे तो म्यू एक्स बार, ये हमने पढ़ा था कि ये म्यू के इक्वल होता है और ये होता है 25.8 अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है ये, मतलब हमने बताया जब भी तो जी वगैरह से हम ये कर रहे हैं सारा। तो ये जो म्यू एक्स बार है ये पॉपुलेशन का जो मीन होगा एक्स बार की वो यही हो जाएगा, और सिग्मा एक्स बार ये होता है सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये भी हमने पढ़ा था, और ये हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30, तो यानी ये हो जाएगा 0.26, ठीक है। और ये हमें पता है कि एक्स बार जो होगा ये एक्स बार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्स बार नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए मैं नई डायग्राम बनाने के बजाय इसी डायग्राम में जो है वो यहाँ पे कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, ठीक। ट्रू मीन हमारे पास है 25.8 है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये जाहिर है कि ये बीच में होगा, एक्स बार का मीन है ना ये, तो ये 25.8 आपके पास है, 25.8 आपके पास है। आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेकिंग टाइप टू एरर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग अ, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग अ फॉल्स हाइपोथेसिस। तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है इस रीजन में होंगे, इस रीजन का मतलब है कि एक्स बार क्या होगा 25.6 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग
type 2 error ये हो जाएगी probability when x bar is greater than 25.6 यानी कि जब x bar 25.6 से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये हुआ यानी कि फिर एरर कर रहे होंगे हम, समझ में आ रही बात। यानी कि जब कभी ये जो सैंपल लिया जाएगा 30 का, उस सैंपल का जो मीन आएगा एक्स बार जब कभी 25.6 से बड़ा होगा तो टाइप टू एरर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स बार इज ग्रेटर देन 25.6, तो क्या कीजिए, अब आप जो वेरिएबल एक्स बार है उसको दोबारा जी में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो है एक्स बार के लिए तो टेबल मौजूद नहीं होता, लेकिन जी के लिए जो है वो टेबल मौजूद होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कन्वर्जन करते हैं। कैसे कन्वर्जन करते हैं कि ये जो एक्स बार है 25.6 ये जी एक्सिस पे कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स बार है 25.6 वेरिएबल, आप एक्स बार ले रहे हैं तो z पे ये हो जाएगा, फॉर्मूला वो होता है x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है ना, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो x बार हमारे पास है 25.6, म्यू म्यूट्रू मीन जो है इसी पे 25.8 है, ये हम लेंगे डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, यहां से हमने ये निकाला ही हुआ है पहले से 0.26 लिख दिया। तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.769 माइनस पॉइंट, ये सिग्मा एक्स बार नहीं लिखेंगे फॉर्मूला में, कहां पे सिग्मा एक्स बार लिख दें, एक ही बात है ना यार, ये सिग्मा एक्स बार ही के बराबर तो होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलिए 7 माइनस 0.769, तो इसे 7.7 कर देते हैं राउंड कर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ये कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर जिसे आपने कहा था कि ये बीटा है, जो कि था प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स बार इज ग्रेटर देन 25.6, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी व्हेन जी इज ग्रेटर देन -0.77। तो अब जी ग्रेटर देन -0.77 ये टेबल से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और जब टेबल से आप ये निकालेंगे शेडेड रीजन का जो एरिया होता है व्हेन जी इज ग्रेटर देन, तो क्योंकि राइट वाला एरिया आएगा टेबल में हमेशा कौन सा होगा, लेफ्ट का एरिया होगा, तो वन में से माइनस कर देंगे उसे, तो आपके पास जो है वो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि टेबल से जब ये वैल्यू निकालेंगे तो आप हमेशा लेफ्ट पे निकलती है, तो आप चाहे तो उसको ऐसे लिख दें, वन माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन जी इज लेस देन -0.77, तो ये हो जाएगा वन माइनस, ये आएगा 0.2206, जब इसे वन में से माइनस करेंगे आ जाएगा 0.7794। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर, और इसकी पावर जो है वो होगी 1 माइनस बीटा, और 1 माइनस बीटा का मतलब हो गया कि 1 माइनस 0.7 0.2206 ही आ जाएगी, हाँ वो आ जाएगी 0.2206 डेफिनेटली। तो अब ये देखें कि 78% टाइप टू एरर होने के चांसेस हैं, और टेस्ट की जो हाइपोथेसिस होगी, यानी सॉरी टेस्ट की जो पावर होगी वो 22% होगी, यानी 78% जो है वो टाइप टू एरर हो सकता है, और पावर जो होगी टेस्टिंग की वो सिर्फ 22% होगी। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर चांसेस ये हैं कि ये लोग गलती ही करेंगे, ठीक है ना,
गलती करने के चांसेस जो है ज्यादा है, यानी कि जो ये नल जो है फॉल्स नल हाइपोथेसिस है, ये नल हाइपोथेसिस फॉल्स है क्योंकि ट्रू तो ये है, लेकिन वो गलती जो है वो कर सकते हैं, ज्यादा गलती करने के चांसेस हैं, और होगा ये कि जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस है वो उनके क्लेम में ट्रू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो ट्रू है वो क्लेम के करीब करीब है। लेकिन अब जो है जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें सिग्निफिकेंटली जो है वो डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो ट्रू मीन है पॉपुलेशन का वो जो उनका क्लेम है उससे थोड़ा दूर है। तो जब ट्रू मीन से जो उनका क्लेम है वो थोड़ा दूर है तो गलती के चांसेस जो हैं वो अब कम होंगे, यानी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जो टाइप टू एरर है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ने के बजाय, यानी कि यह प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब पार्ट बी हम कर रहे हैं, पार्ट बी में ट्रू मीन 25 माइल्स पर गैलन है। अच्छा ये तो मुझे पहले बता दीजिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम पार्ट ए में, पार्ट ए कंप्लीट हो गया है, इससे आपको पावर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आप लोग भाई किसी को नहीं आ रहा है, चले ठीक है, ठीक है सर। ये इंटरप्रिटेशन एक दफा वापस एक्सप्लेन कर दें पावर की और बीटा की। देखिए ये मैंने बताया था कि 78% जो है वो चांसेस हैं कि जो लोग हैं 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर कि वो टाइप टू एरर करें, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट नहीं करें, क्योंकि नल हाइपोथेसिस आपको हमको पता है कि वो फॉल्स है नल हाइपोथेसिस, लेकिन 78% जो है चांसेस हैं कि जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस है 5% सिग्निफिकेंस लेवल भी तो है उसके ऊपर जी वगैरह डिपेंड कर रहा है, तो 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे 78% चांसेस हैं कि वो टाइप टू एरर करेंगे और 22% इसकी पावर है, यानी कि टाइप टू एरर नहीं करेंगे। फरजान खान जी पूछिए। सर एक दफा आप बता दें क्या कहते हैं अपना जो ये था ना आपने लिखवाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 25.6 हमने जी? अगर रिजेक्टिंग रीजन हमने देखना है या हमने डू नॉट रिजेक्ट वाला देखना है? हमें तो डू नॉट रिजेक्ट वाला देखना है, तो यही तो एरर कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि ये फॉल्स है हाइपोथेसिस। सही है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है क्योंकि ट्रू तो ये था। तो जब डू नॉट रिजेक्ट यानी इस रीजन में होंगे और फिर भी रिजेक्ट कर देंगे तो फिर, और उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये फिर एरर होगा, तो इस वजह से डू नॉट रिजेक्ट। अच्छा सही, ठीक है ना, तो हमेशा जो टाइप टू एरर के लिए डू नॉट रिजेक्ट वाला जो है रीजन ही देखेंगे, वो टू टेल लेफ्ट टेल राइट टेल कोई सही प्रॉब्लम हो, ठीक है। और हमेशा क्या करेंगे जो जी दिया हुआ होगा उसको एक्स बार में कन्वर्ट कर लेंगे और एक्स बार जो आ जाएगा उसको इसके लिए देख लेंगे कि क्या रीजन है। टू टेल होगा तो वो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के साथ होगा, लेफ्ट टेल में सिर्फ लेस सिर्फ ग्रेटर देन होगा और राइट टेल में सिर्फ लेस देन होगा एक्स बार, ठीक है। अब बी पार्ट की तरफ आ जाते हैं। बी पार्ट में ट्रू मीन ये है 25 माइल्स पर गैलन, लेकिन जो है वो इसी तरह से वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे। तो अब एक्स बार तो वही है ना, एक्स बार में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टेस्ट तो कोई नया नहीं यूज किया, टेस्ट वही है, तो एक्स बार जो है वही 26.6 है, लेकिन इस मरतबा ट्रू मीन जो है वो 25 है, यानी कि इस तरह से समझ लीजिए कि ये है ये है 25.6, ये
अल्फा 0.05 है, ये वेरिएबल एक्स बार है, और अब जो ट्रू मीन है वो है 25, पहले था 25.0, सॉरी ये डायग्राम ही गलत बना दी सर, 25 तो पीछे आएगा, 25 पीछे आएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बस वो जो है क्या कहते हैं उसे, ये ऐसे बन गए, एक मिनट इसे सही कर दूंगा, कहाँ पर है अंडू, ये रहा, दरअसल ये फिर दूसरी तरीके से हो जाएगा, इरेज करना ज्यादा बेहतर है, तो अब हमारे पास जो है ये 25, ये मीन है पॉपुलेशन का, पहले पॉपुलेशन मीन जो होगा वो मिड में होगा, ये ट्रू मीन है, और ये वेरिएबल एक्स बार है, लेफ्ट पे लिखता हूँ राइट पे लिखना चाहिए, एक्स बार लेफ्ट पे लिखना चाहिए, बहरहाल तो ये वेरिएबल हमारे पास जो है एक्स बार है। अब जो है 25.6 जो होगा वो लेफ्ट पे होगा, सॉरी राइट पे होगा, कलर चेंज कर देते हैं, ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स, और बाकी चीज वही है उसी तरह से है, ये 25.6 है, ये रीजन जो है ये कौन सा रीजन होगा, लेफ्ट वाला बताएं, रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन, ये रिजेक्शन ही रहेगा, वो कोई राइट टेल प्रॉब्लम नहीं बन गया है, राइट टेल प्रॉब्लम नहीं बना है ये समझ लीजिए, ये रिजेक्टेशनल है, ये लेफ्ट टेल ही प्रॉब्लम था, बस हुआ ये है कि क्योंकि वो जो वैल्यू है वो इसके लेफ्ट पे आ गई है 25, ठीक है, तो स्केल थोड़ा सा जो है वो चेंज आप कर दिया है, ठीक है, और ये रीजन वही है डू नॉट रिजेक्ट एचनल, तो होगा ये कि डू नॉट रिजेक्ट एचनल वाला रीजन सिर्फ इन वैल्यू के लिए बहुत छोटा हो गया, जिसकी वजह से बीटा कम हो जाएगा बहुत, ठीक है, तो ये जो आपके पास होगा ये एक्चुअली बीटा होगा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू, टाइप टू एरर, ये आपके पास बीटा होगा, वही सब कुछ है, कोई नई चीज नहीं है, जी एक्सिस में जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये जी एक्सिस होता है, तो जाहिर है कि ये हमारे पास जीरो होगा, और ये जो z वैल्यू आएगी वो बताएंगे, डेफिनेटली ये फिर पॉजिटिव होनी चाहिए 25 पे, ये उसी तरह से होता है, अब उसको जो है वैसे ही करेंगे जैसे उसके लिए किया था, तो उसके लिए जब करेंगे तो अब z निकालेंगे, x जो है 25.6 के लिए, लेकिन अब म्यू जो है वो जो पॉपुलेशन मीन है वो 25 रखेंगे, पहले हमने 25.8 रखा था, 25.8 रखा था, यहाँ पे देखें ये रखा हुआ, अब यहाँ पे 25 रखेंगे, ये फर्क आ गया इसमें, यानी कि वही रहेगा x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, या सिग्मा x बार कर दें आप जैसे चाहे लिखें, तो x बार जो है 25.6 है, म्यू जो है 25 है डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय सिग्मा,
सिग्मा क्या है, सिग्मा ओवर एन ये 0.26 है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2.31। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसके लिए चाहिए थी, बीटा इस मरतबा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स बार इज ग्रेटर देन 25.6। वही चीज है बिल्कुल जो पहले थी। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी व्हेन जी इज ग्रेटर देन, अब जी वैल्यू डिफरेंट आई है, पॉजिटिव आई है 2.31 यानी 2.31 ये जी वैल्यू है। राइट का ही आपको एरिया चाहिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि लेफ्ट से एरिया आता है, z इज लेस देन 2.31 तो ये हो जाएगा 1 माइनस। इसकी वैल्यू जब आप उससे निकालेंगे टेबल से तो ये आएगी 0.9896 तो 1 में से इसे माइनस कर देंगे तो 0.0104। तो देखिए अब टाइप टू एरर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1% है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1% है, ठीक है। बीटा जो है वो 1% आ रहा है और पावर जो है टेस्ट की वो 1 माइनस बीटा यानी के 0.9896 यानी के 99% जो है वो टेस्ट की पावर हो जाएगी, यानी 99% टेस्ट सही रिजल्ट देगा और 1% चांस है कि उस फॉल्स नल हाइपोथेसिस को ट्रू कर दिया जाए, यानी कि रिजेक्ट जो है वो नहीं किया जाए। तो देखिए ये जो है ये सैंपल है, तो अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस केस में जबकि ट्रू जो है वो 25 था तो कुछ भी अगर कर लिया जाए क्या कहते हैं एन जो है वो 30 लेके जो उसके सैंपल्स आएंगे तो वो जब सैंपल्स का मीन लिया जाएगा तो वो 25.6 से बड़ा आ जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है अब क्योंकि उसका ट्रू ये था तो वो अब क्या होगी, बहुत कम होगी और वो कितनी है, वो है 1%। ठीक है जी, फरजान खान कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर मैं पूछना चाह रहा हूं पावर है फिर ये कॉरेस्पॉन्ड करिए हमारे वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको कॉरेस्पॉन्ड। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज नहीं हुई कि उससे टाइप टू एरर और टाइप वन एरर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा, लेकिन उसकी कंप्यूटेशन में रोल होता है। पावर और टाइप टू एरर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जो बीटा है तो वन में से माइनस कर दे तो अल्फा आ जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सर नहीं, क्योंकि अभी आप कह रहे थे ना कि पावर डिटरमिन्स कि हम 99% कॉन्फिडेंट हैं कि मतलब हमारा जो बीटा है मतलब जो बीटा की वो मैं कह रहा हूं कि 99% ये चांस है कि टेस्ट जो होगा वो मतलब ये कि टाइप टू एरर नहीं होगा, यानी टेस्ट सही होगा, ये चांस है इसका। सिग्निफिकेंस लेवल डिफरेंट चीज होती है, सिग्निफिकेंस लेवल होता है क्या कहते हैं उसे, वो दूसरे एरर के लिए होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप वन एरर, ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। सिग्निफिकेंस लेवल है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप वन एरर, और टाइप वन एरर क्या चीज है, रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, यानी कि अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और उसे रिजेक्ट कर दिया तो हम उल्टा काम कर रहे हैं, यानी कि उसका क्लेम जो है सही है लेकिन उसे रिजेक्ट कर देंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि उसका क्लेम सही नहीं है लेकिन हम उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे, तो टाइप वन एरर होता है कि अगर उसका क्लेम सही नहीं है, फॉल्स क्लेम है, ठीक है ना,
नहीं सॉरी रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, तो उसका अगर जो है वो ट्रू नल हाइपोथेसिस है तो उसको क्या कहते हैं उसे फॉल्स कर दें आप, यानी कि उसे रिजेक्ट कर दें, और टाइप टू एरर में जो है उसका रिवर्स होता है। जी कुछ पूछ रहे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 25.6 क्यों अज्यूम कर रहे हैं? इसकी वजह ये है कि जब जो है, अच्छा ये मैंने एक चीज लिख दी, अल्फा नहीं है यहाँ, कंफ्यूजन हो जाए। अच्छा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 25.6 क्यों अज्यूम कर रहे हैं? इसकी इसकी वजह ये है कि जब 25.6 से, मेरे ख्याल से जो ना ये जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुई थी, मैंने अल्फा लिख दिया था, इसी से कंफ्यूजन हो गई थी। और नहीं, अल्फा सही नहीं था, ये असल में ये है बीटा, ये एक्स बार एक्स है ना, ये बीटा है आपके पास, ये अल्फा नहीं होता। और सर हमें बीटा, ये पावर है, बीटा चाहिए बेसिकली, ये बीटा, और यहाँ बीटा जो है वो छोटा सा है, ये एक्स के साथ जो होता है बीटा, वो मैंने अल्फा लिख दिया था, वो मेरे ख्याल से उस वजह से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो गई होगी कि वो उससे से वन माइनस कर रहे थे, ये पता नहीं कैसे अल्फा लिख दिया था, ये मेरे ख्याल से यहाँ लिखा था तो मैंने शायद गलती से यहाँ भी लिख दिया। अच्छा अब ये जो स्टूडेंट ने पूछा है कि ये 25 पॉइंट, इनका क्वेश्चन का आंसर रह गया कि 25.6 से ज्यादा क्यों ले रहे हैं, उसकी देखिए रीजन ये है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर, टाइप टू एरर क्या है, डू नॉट रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो रिजेक्ट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कब रिजेक्ट नहीं करेंगे, जब एक्स बार 25.6 से ज्यादा होगा तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, ये हमने इसके मुताबिक निकाल के देख लिया, क्योंकि जब एक्स बार 25.6 से ज्यादा होगा तो वो डू नॉट रिजेक्ट, यानी कि इस रीजन में आ जाएगा जिसकी वजह से उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। जी ये क्लियर हो गई ये बात, उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा इवन दो इट्स फॉल्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, और किसी का कोई क्वेश्चन इस चीज में? अब इसके बाद जो है वो ये आप लोग जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम कीजिएगा जो कि टू टेल से रिलेटेड हो और राइट टेल से रिलेटेड हो, तो मेरे ख्याल से फिर ये बहुत हो जाएगा। अब क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि मैं एक नया प्रॉब्लम जो है वो शुरू करा के उसे कंप्लीट कर सकूं, वरना फिर जो है वो अच्छा खासा जो है टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा क्लास का। तो अगर मजीद कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट का तो वो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। सर एक्सरसाइज बता दें ताकि प्रैक्टिस के लिए। देखिए ये एक्सरसाइज जो है 9 पॉइंट होगी, ये 9.7 है इसकी एक्सरसाइज। सर आपने अपना आपकी पीडीएफ शेयर कर देंगे? जी सॉरी जी जी कहिए। आरली से रिलेटेड सर, आरली में सर थ्योरी थोड़ी कम करते हैं सर, ट्रू एंड फॉल्स और सब फिलिंग अप वगैरह। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है? बस आज यहीं तक रखेंगे।